हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है, मनोज मस्के। मैं मुंबई में रहता हूँ और पिछले कई सालों से, अब जब से मैंने कुछ करना शुरू किया, मैं एक ही इंडस्ट्री में था और हमेशा दैट इज़ माय फर्स्ट प्रेफरेंस, तो मैं वही इंडस्ट्री में रहना चाहूँगा हमेशा से। बट जैसे कि मैं एक फिल्म डायरेक्शन में हूँ, फिल्म रिलेटेड काम करता हूँ, और दूसरा मैं कोचिंग फील्ड में हूँ जहाँ पे मैं हम लोग बच्चों को एक्टिविटी सिखाते हैं, और काफ़ी स्कूलों में मेरी एक्टिविटी चलती है जैसे म्यूजिक, स्केटिंग, जिमनास्टिक, डांस, ताइक्वांडो, एक्टिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग सिखाते हैं। लेकिन ये सब अच्छा चल रहा था, उसी में हमारे सबके लाइफ में, मेरे लाइफ में, हमारे सबके लाइफ में कोरोना ने एंट्री मारा, और इतना ख़तरनाक एंट्री मारा कि हम सबको है ना पूरा हिला दिया। तो अभी ऐसा था कि ठीक है, होता है, जो भी पार्ट है लाइफ का, उसमें भी मैंने सोचा कि चलो कुछ पॉजिटिव करते हैं, क्या पता कोरोना ने जाते जाते भी या आते आते भी हमें बहुत कुछ सीख दी है। हमारे बहुत सारे लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास कुछ आ गया है। चलो हमारे जैसे के पास है, जैसे कोरोना आया, मैंने एक नए बिज़नेस शुरू किए, कहीं पे उड़ी मारी, जो कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मेरे धंधे के अलावा, मेरे बिज़नेस के अलावा, मेरे फील्ड के अलावा मैं दूसरा भी कुछ कर पाऊँगा। लेकिन ये कोरोना ने हिम्मत दी कि तू कर सकता है, और समहाउ आई सक्सीड। मैंने बहुत सारे बिजनेस किए और सक्सेसफुल रहा इस कोरोना से, जहाँ से हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया और एक अच्छे लेवल तक, एक ठीक ठाक लेवल तक बोल सकते हैं, वहाँ तक पहुँच गए। सो उसी के चलते वक्त, मतलब कोरोना ने बहुत कुछ दिया, आई मीन टू से, उसी के चलते वक्त मेरे मन में ख्याल आया कि चलो क्यों ना अब ये कर रहे हैं तो खुद का एक रेस्टोरेंट भी करते हैं, या फिर फूड बिजनेस में घुसते हैं या कुछ ऐसा कुछ करते हैं। तो उसी में जिस दिन मैंने सोचा, उसी दिन मेरे लाइफ में गोपाल सर का एंट्री आ गया। मतलब ही इज़ लाइक एंजल टू मी, कि जस्ट मैं देख रहा था कि ये बिज़नेस करूँगा, ये बिज़नेस मैं सोच रहा था ऐसा कुछ करूं, और जैसे फेसबुक खोला और मेरे सामने ऐड आ गया कि एक गोपाल कामंत कोई है और ये ऐसा करना चाहते हैं, एंड चलो पैसे भी इतने कम थे तो क्लिक कर दिया, चलो यार रजिस्टर करके एटलीस्ट देख लेते कि क्या कर रहा है बंदा। सो जिस दिन उनका पहला ऐड देखा तो उनकी शक्ल इतनी प्यारी है, उनकी शक्ल देख के समझा कि यार ये बंदा बहुत दिल से साफ बंदा है, ये इज़ अ रियल कोच। सो मैं अगर सर के बारे में कुछ कहना चाहूँ तो ऐसे लगता है कि यार सच में जिसको बहुत मेहनत से ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया है, वो दिल से चाहता है कि मैं दुनिया के लिए कुछ करूँ या मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ दूँ। इज़ लाइक वेरी जेन्युइन पर्सन, कि वो कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए। सो जैसे लेने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, देने वाले बहुत कम होते हैं, और वो ऐसे है कि अगर कोई गुरु है, अगर कोई शिकारी है, तो तुम्हारी शिकार उसको, उनकी शिकार हमको नहीं दे रहा, वो हमें शिकारी बना रहे, हमें शिकार करना सिखा रहे। सो दिस इज़ बहुत बड़ी बात है, ये उनको अपने आप में बड़ा बनाता है। सो ऐसा नहीं कि आज मैं तुमको पालूंगा, कल पालूंगा, 10 दिन पालूंगा, उसके बाद ये हमें खुद को पालना सिखा रहे हैं। ओके, एंड जैसे मेरी फिल्म का एक डायलॉग था कि कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से, तो किस्मत साथ दे ना दे, काबिलियत हमेशा साथ देती। तो हमें काबिल बनाने का काम गोपाल सर कर रहे हैं, इट्स वेरी बिग डील। मतलब इतना बड़ा काम है, जो बंदा फूड इंडस्ट्री के साथ कभी जुड़ा नहीं था, जिसने कभी सोचा नहीं था, आज मैं कह रहा हूँ कि मैं अगले महीने में, आप गिन लो मेरा दिन, आज का दिन गिन लो, मैं अगले महीने में मेरा खुद का रेस्टोरेंट शुरू कर रहा हूँ, और ये सब सर के आशीर्वाद से, सर के सपोर्ट से, और सब कुछ सर के बदौलत हो जाएगा। मतलब मैं तो इतना सोच रहा हूँ कि मेरे इतने बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब होते सबके ही होते, कुछ ना कुछ तो होता, लेकिन मेरा रिबिन भी सर के हाथ से कटवा, और मैं आज के बाद जितने भी रेस्टोरेंट खोलूंगा, जितने भी होटल्स खोलूंगा, जो भी ये इंडस्ट्री में करूंगा, ये सब सर का हाथ रहेगा उसके अंदर। और रही बात कोर्स की, तो पहले मैंने यूट्यूब से शुरू किया, मुझे अच्छा लगा कि
देर इज़ समथिंग इन फूड बिजनेस की फ़ायदा हो सकता है। फिर सर का एक रेस्टोरेंट लॉन्च फार्मूला ये प्रोग्राम आया, तो मैंने उसमें रजिस्टर किया एंड माय गॉड उसमें जो सीखने मिला है, तो कोई बेवकूफ़ बंदा ही होगा जो सीख नहीं पाएगा। मतलब अगर जिसको इतनी सी भी अक्ल है, 10% भी अक्ल है, वो ये चीज़ को बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन या होटल लाइंस में या इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में वो बहुत आगे जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर एंड लव यू सर, थैंक यू वेरी मच।